हेलो फ्रेंड्स सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट मैंसूरेशन जो कि फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड विभिन्न विभिन्न एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसके बारे में हम देखेंगे उसी का पूरा कलेक्शन है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस फॉरेस्ट मैंसुरेशन से आए हुए हैं विभिन्न विभिन्न एग्जामों में जैसे कि आपका तमिलनाडु पी हो गया उड़ीसा पी हो गया आई हो गया बी हो गया एम हो गया और बहुत सारे एग्जाम ताकि आप ये पूरे क्वेश्चन को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका तैयारी किस लेवल में है आपको किस तरीके से और तैयारी करना है ठीक है और दूसरी बात यह है कि ये जो आपका फॉरेस्टी सब्जेक्ट है है ना और ये आपका सी जी पी एस में नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है तो स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इससे क्वेश्चन को कलेक्ट करने में तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह है वो भी एक टॉपिक फॉरेस्ट मैंसुरेशन से ठीक है उसके बाद धीरे धीरे हम इस फॉरेस्ट मेनसुरेशन का डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाएंगे आने वाले एक दो दिन में ठीक है तो लेकिन आज का हमारा वीडियो रहेगा सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में ताकि आप देख सकें कि, कि किस तरीके से इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट इज टेकन एस स्टैंडर्ड हाइट फॉर गर्थ डायमीटर एंड बेजल एरिया ऑफ स्टैंडिंग ट्री इन इंडिया व्हेन मेजर्ड एट ब्रेस्ट हाइट तो फर्स्ट का आंसर है आपका ए 1.37 रियल में इसका आंसर है 1.36 लेकिन कोई भी ऑप्शन में 1.36 नहीं दिया है 1.36 के आसपास दिया है आपका 1.37 तो फर्स्ट का आंसर है आपका 1.37 पॉइंट सेकेंड देखते हैं सेकेंड को आपको नहीं करना है क्योंकि सेकंड आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन सी जी पी में आएगा ही नहीं ठीक है थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं नेम द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ ट्री बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल तो थर्ड का आंसर है आपका क्रिश्चन हिप्सोमीटर ठीक है थर्ड का आंसर क्या है आपका क्रिश्चन हिप्सोमीटर ये क्रिश्चन हिप्सोमीटर क्या है किस तरीके से ये दिखता है कहाँ पे यूज करते हैं है ना ये सब चीज़ आपका जब डिस्क्रिप्शन वीडियो आएगा फॉरेस्ट मैंसुरेशन के ऊपर तब आपको डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा आज का हमारा वीडियो सिर्फ इसी पर बेस्ड है कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और उसके आंसर क्या क्या है ताकि हमको पता चल सके कि हमारा प्रिपेशन कैसा है हम प्रिपेशन को किस तरीके से करना है हमको ये है ठीक तो है तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय तो फोर्थ का आंसर है आपका डी बोथ ए एंड बी ठीक है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डी बी एच डी बी एच का मतलब होता है डायमीटर ब्रेस्ट हाइट ठीक है तो फिफ्थ का आंसर क्या है फिफ्थ का है, है, log, तो है A, है, है, question, का आंसर है आपका ए मीटर सिक्स देखते हैं द लोअर पार्ट ऑफ द लॉग ठीक है तो लोअर पार्ट ऑफ द लॉग तो सिक्स का आंसर है आपका ए बट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेवन नंबर का क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मुलाइज है ना तो सेवन नंबर का आंसर है आपका सी ये वाला ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका न्यूटन इज ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका ठीक है याद रखें इस क्वेश्चन को ठीक है जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन देखना कई बार आएगा आपको ठीक है तो अभी इसको सिर्फ आपको देखना है कि इसका आंसर क्या है ठीक है उसके बाद है आपका एट्थ नंबर का क्वेश्चन ह्यूबर्स इज तो एट्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ठीक उसके बाद देखते हैं आपका नाइन्थ क्वेश्चन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द टिम्बर इज तो नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका डी थ्री मीटर ठीक है उसका देखते हैं टेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायमीटर एंड गर्थ तो टेंथ का आंसर है आपका सी टेंथ का आंसर क्या है सी वन अपॉन पाई ठीक है उसके बाद देखते हैं इलेवंथ नंबर का क्वेश्चन जी अपॉन फोर का होल स्क्वायर इंटू इज नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अब मेरे हिसाब से लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आ भी सकता है आपका ए सी एफ रेंजर में तो इलेवंथ का आंसर है आपका ए क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला ठीक है उसके बाद देखते हैं ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी बिटरलिच ठीक है उसके बाद देखते हैं आगे तेरह नंबर का क्वेश्चन फ्रॉम हाइट इज प्रोडक्ट ऑफ ठीक है तो तेरह नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ए एक मिनट फ्रॉम फैक्टर एंड टोटल हाइट ऑफ अ ट्री उसके बाद देखते हैं आपका चौदह नंबर का क्वेश्चन एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय तो चौदह नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी प्रिजलर्स बोरर ठीक है प्रिजलर्स बोरर मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा इसको कैसे इसको इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कैसे आपका ट्री का एज निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा लेकिन डिस्क्रिप्शन वीडियो में ठीक है उसके बाद पंद्रहवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मिड डायमीटर स्लैश डी बी एच इम्प्लीज टू ठीक है डी बी एच मैंने आपको बताया था डायमीटर इन ब्रेस्ट हाइट ठीक है उसके बाद ब्रेस्ट हाइट किसको बोलते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो फि पंद्रह नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है पंद्रह नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी फॉर्म क्यूसेंट सोलह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं लोकल वॉल्यूम टेबल कंसिस्ट तो सोलह सोलह नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ए ठीक है वन वेरिएबल उसके बाद देखते हैं सत्रहवें नंबर का क्वेश्चन जनरल वॉल्यूम टेबल कंसिस्ट तो सत्रहवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका बी टू वेरिएबल्स उसके बाद देखते हैं अट्ठारहवें नंबर का क्वेश्चन तो अट्ठारहवें नंबर का क्वेश्चन को भी आपको छोड़ देना है इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं उन्नीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका द इंक्रीमेंट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द स्नैंडर फॉर्मूला है ना उसके बाद आपका एन नंबर एनुअल रिंग्स इन द लास्ट इंच ऑफ ट्री डी इज डी बी एच ठीक है तो उन्नीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका एक मिनट उन्नीसवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका हाँ उन्नीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका डी आंसर इसका है ठीक है बीसवें नंबर चलते हैं इफ़ द ट्री इज फॉर्कड अबउ द ब्रेस्ट हाइट देन द ट्री इज कंसिडर्ड एस फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्रेस्ट हाइट तो बीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका बी क्या है आपका बी सिंगल ट्री उसका इक्कीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इस टेंड टेबल रिलेटेड टू तो इक्कीसवें नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आंसर है आपका बी क्रॉप डायमीटर ठीक है उसके बाद आपका बाईसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जाइलोमीटर इज यूज टू मेजर्ड तो बाईसवें क्वेश्चन का आंसर है आपका सी वॉल्यूम इज इन रेगुलर पीसेस ऑफ वुड ठीक है तेईसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्री और इट्स पार्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट बैसल एरिया एंड हाइज इज कॉल्ड तो तेईसवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका डी फॉर्म फैक्टर ठीक है उसके बाद देखते हैं कि चौबीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द एज ऑफ अ रेगुलर क्रॉप करस्पोंडिंग टू इट्स क्रॉप डायमीटर इज कॉल्ड तो चौबीसवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका सी एज क्लास उसके बाद देखते हैं कि पच्चीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं टोटल इंक्रीमेंट पुट ऑन टू गिवन एज डिवाइडेड बाई एज इज कार्ल्ड तो पच्चीसवें क्वेश्चन का आंसर है आपका ए मीन एनुअल इंक्रीमेंट ठीक है छब्बीस तो नंबर का क्वेश्चन देखते हैं डी बी एच मेजर्ड एट अ ट्री हाइट तो छब्बीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी 1.37 देख रहे क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन तीन से चार बार रिपीट हो चुका है मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद आते हैं सत्ताईसवें नंबर का क्वेश्चन थ्री एच कैन बी मेजर्ड बाय तो सत्ताईसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी हाइग्रोमीटर ठीक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मीटर है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है ठीक है अट्ठाइसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ऑन स्लोपिंग ग्राउंड द डी बी एस शुड बी मेजर्ड ऑन ठीक है तो अट्ठाइसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी अप हिल साइड ठीक है उसके बाद देखते हैं कि उनतीसवें नंबर का क्वेश्चन द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन फ्रॉम एज एंड इंक्रीमेंट ऑफ सिंगल ट्री स्टैंड और वूल वुड्स आइदर स्टैंडिंग आफ्टर फेलिंग इज कॉल्ड तो उनतीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर अच्छा है आपका सी डेंड्रोमैट्री क्या है आपका डेंड्रोमैट्री तीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ ट्री इज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू तो तीसवें का क्वेश्चन का आंसर अच्छा है आपका डी फॉर्म क्या है आपका डी फॉर्म उसका देखते हैं इकत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन द रेट ऑफ चेंज इन स्टेम डायमीटर विथ हाइट ऑन अ ट्री इज कॉल्ड तो इक, इकतीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका डी आपका टैपर 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 मतलब टैपरिंग ठीक है तो बत्तीसवें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं द डायमीटर डायमीटर मीटर करस्पॉन्डिंग टू द मीन बैसल एरिया ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड तो बत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ए ठीक है क्रॉप बैसल एरिया ठीक है उसके बाद नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द होपस फुट वॉल्यूम ऑफ अ लॉक मेजरिंग 192 नाइनटी टू इंच गर्थ ये आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आपको इसको नहीं देखना है ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं चौंतीसवें नंबर का क्वेश्चन द लोकल वॉल्यूम टेबल आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द ट्री तो चौंतीसवें नंबर का क्वेश्चन आंसर है आपका डी ऑल द हाइट डायमीटर एंड फॉर्म ठीक है पैंतीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द स्टैंडर्ड ब्रेस्ट हाइट फॉर ट्री डायमीटर मेजरमेंट ऑफ इंटरनेशनल एधरेंस इज तो पैंतीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका ए वन पॉइंट थ्री जीरो ठीक है उसके बाद देखते हैं आपका छत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन द ट्री एज फॉर्म एनुअल रिंग इज डि इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ तो छत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका डी इंक्रीमेंट बोरर ठीक है सॉरी उसके बाद चलते हैं आपका सैतीसवें नंबर का क्वेश्चन क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला इज तो सैतीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लॉग ठीक है उसके बाद है आपका अड़तीसवें नंबर का क्वेश्चन द स्टैंडर्ड ब्रेस्ट हाइट है ना डीबीएच फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ ट्री तो थर्टी एट का क्वेश्चन का आंसर आपका वन पॉइंट थ्री सेवन ये छठवा बार आ रहा है ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता चल रहा है कि फॉरेस्ट मैंसुरेशन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है भले हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम नहीं हुए हैं या कोई एग्जाम हमको पता नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया लेकिन विभिन्न विभिन्न एग्जामों में जो कि तमिलनाडु पी एस पी एस सी ये सब में होता है वो वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं उसी से क्वेश्चन को डाला हूँ ठीक है आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ठीक है अब देखते हैं चालीसवें नंबर का क्वेश्चन द एज ऑफ अ ट्री ऑफ सम स्पीसीज कैन बी एस्टिमेटेड बाय तो 39 नाइन क्वेश्चन का आंसर है आपका सी काउंटिंग रिंग इन द स्टेम ठीक है काउंटिंग रिंग इन द स्टेम चालीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एज ऑफ ट्री विथ एनुअल रिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय तो आपका चालीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका एक मिनट चालीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका रिफ्रेंसिंग बी सी हाँ तो चालीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका आंसर है आपका सी मीन्स ऑफ प्रेजलस इंक्रीमेंट बोरर एक चालीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन वर्टिकल पॉइंट सैम्पलिंग तो इकचालीसवें नंबर का क्वेश्चन है आप, आपका आंसर है आपका ये बी कॉनीमीटर ठीक है बयालीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द हाइट ऑफ स्टम्प इन सैम्पलिंग कोपाइस सिस्टम इज यूजली केप्ट इन तो बयालीसवें नंबर का क्वेश्चन है आपका आंसर है आपका ए पाँच से दस सेंटीमीटर तिरीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग फॉलोइंग इज करेक्टली मैचड तो तिरालीसवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी क्लिनोमीटर हाइट बाकी रेलाइस्कोप है एल्टीमीटर है हिप्सोमीटर है ये सभी गलत है ठीक है तो क्लीनोमीटर का यूज़ क्या करते हैं क्लीनोमीटर का यूज़ करते हैं ट्री का हाइट मेजर करने के लिए ठीक है 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपका द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द मीन डायमीटर of 250 फिफ्टी बिगेस्ट per पर हैक्टेर. तो 44 का आंसर है आपका बी टॉप हाइट ठीक है उसके बाद 45 का देखते हैं विच एमंग दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री तो 45 का आंसर है आपका सी प्रिजलर बोरर क्या है प्रिजलर बोरर ठीक है उसके 46 का देखते हैं टू डिटरमाइन द यील्ड ऑफ अ स्पीसीज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन तो 46 का आंसर है आपका डी लोकल यील्ड टेबल ठीक है उसके बाद देखते हैं आपका 47 का डायमीटर क्वेश्चन फॉर इच फॉर्म क्लास इज डिटरमाइंड बाय तो 47 का आंसर है आपका एक मिनट ए बी एर सी डी हाँ तो इसका आंसर है आपका सी हॉजस फॉर्मूला ठीक है 48 का देखते हैं नंबर ऑफ सैंपल प्लॉट रिक्वायड फॉर द दिस इन ईच थिनिंग रीजन टू प्रिपेयर अ टेबल इज प्रीपेयर का आंसर है आपका डी ठीक है 48 एट का आंसर क्या है आपका डी 600 हंड्रेड उसका देखते हैं 49 नाइन फॉरेस्ट मैं ठीक है तो 49 का आंसर है आपका सी रिलेटिव एक्यूरेसी उसके बाद पचासवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कॉमनली अवेलेबल साइज ऑफ वुडन स्केल फॉर ट्री डायमीटर मेजर तो पचासवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी थर्टी सेंटीमीटर टू सेवेंटी सेंटीमीटर सॉरी थर्टी सेंटीमीटर एंड सेवेंटी सेंटीमीटर है ना पचासवें का आंसर है आपका सी उसके बाद देखते हैं फिफ्टी वन का देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट वुड्स वर्ड्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सिमिलर ट्राइंगल टू मेजर हाइट ऑफ अ ट्री तो फिफ्टी वन का आंसर है आपका ए हिप्सोमीटर ठीक है द प्रोडक्ट 52 का देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड टोटल ट्री हाइट इज नोन एज तो 52 का आंसर है आपका बी फॉर्म हाइट क्या है आपका बी फॉर्म हाइट 53 का देखते हैं ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर इज तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर ठीक है उसके बाद देखते हैं 55 का है द इर कॉज बाय द इंस्ट्रूमेंट द यूजर एंड द वेदर कंडीशन आर कॉल्ड तो फिफ्टी फाइव का आंसर हो जाएगा आपका ए इंस्ट्रूमेंट इरर उसके बाद देखते हैं फिफ्टी सिक्स का क्वार्टर गर्थ फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये जो आपका न्यूटन्स फॉर्मूला देखे हैं और आपका क्वाटर गर्थ फार्मूला देखे हैं ये सब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इसको रटना है ठीक है तो क्वाटर गर्थ फार्मूला इज तो फिफ्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है उसके बाद देखते हैं आपका 57 सेवन द इंस्ट्रूमेंट यूज इन हॉरिजोंटल पॉइंट सैम्पलिंग इज तो 57 सेवन का आंसर है आपका बी वेज प्रिज्म ठीक है 57 सेवन का आंसर है आपका बी वेज प्रिज्म उसके बाद देखते हैं फिफ्टी एट का मोस्ट एक्यूरेट मैथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल ग्रोइंग स्टॉक इज तो फिफ्टी एट का आंसर हो जाएगा आपका डी कम्प्लीट इनमेशन ठीक है फिफ्टी नाइन का देखते हैं पिक पिक वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वॉल्यूम टेबल क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है तो फिफ्टी नाइन का आंसर हो जाएगा आपका डी सोन आउटम टेबल ठीक है उसके बाद आपका साठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्री तो साठवें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी डी बी एच हाइट एंड फैक्टर उसके बाद देखते हैं इकसठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फायरवुड इज तो सिक्सटी वन के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जाइलोमेट्रिक मैथड ठीक है आगे चलते हैं सिक्सटी टू का क्वेश्चन का देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर्म फैक्टर इज यूज फॉर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटी टू का आंसर है आपका सी स्टडी स्टडी द लॉ ऑफ ग्रोथ हाँ सी इसका आंसर है आपका स्टडी द लॉ ऑफ ग्रोथ उसके बाद आपका है सिक्सटी थ्री का पिक द आर्ड आउट तो सिक्सटी थ्री का आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेम एंड ब्रांच फॉर्म फैक्टर उसका देखते हैं सिक्सटी फोर का द डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू द मिन बेसल एरिया ऑफ द क्रॉप इज तो सिक्सटी फोर का आंसर है आपका सी मिन डायमीटर क्या है आपका मिन डायमीटर सी उसके बाद एज ऑफ फेल्ड ट्री कैन बी डिटरमाइंड तो सिक्सटी फाइव का आंसर है आपका डी फॉर्म ग्रोथ रिंग ठीक है आगे चलते हैं सिक्सटी सिक्स तो सिक्सटी सिक्स भी आपका न्यूमेरिकल है इसको आपको छोड़ देना है ठीक है इसको आपको छोड़ देना है आगे चलते हैं सिक्सटी सेवन क्वेश्चन तो अ सैंपलिंग मैथड इन विच सैम्पलिंग यूनिट करस्पोंडिंग सैंपल आर सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ द सेम साइज हैव इक्वल चांस ऑफ बींग चूजन इज तो सिक्सटी सेवन का आंसर है आपका डी रैंडम सैंपलिंग क्या है आपका रैंडम सैम्पलिंग सिक्सटी एट है आपका क्वेश्चन है अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड एस ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटी एट का आंसर हो जाएगा आपका एक मिनट सिक्सटी एट का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सिक्सटी एट का क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ये वाला अ टेबुलर स्टेटमेंट विच समराइज ऑन यूनिट एरिया बेसिक ऑल इजेंशियल डाटा तो ये है आपका सिक्सटी एट क्वेश्चन जो कि फॉरेस्ट मैंसुरेशन टॉपिक से पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न एग्जामों में तो आपको इसको देखना है अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आपको ये देखना है कि मेरे को किस तरीके से पढ़ना है इस क्वेश्चन को देखने के बाद ठीक है और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पी के तौर पर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू